नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। खास बातें, अब शमी ने लगाए पत्नी पर आरोप। हसीन ने पहली शादी और बेटी होने की बात छिपाई शमी। सच जानने पर भी उठाया मैंने की देखभाल। नई दिल्ली, पत्नी हसीन जहां के गंभीर आरोप झेल रहे और टीम इंडिया से फिलहाल बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ा फैसला आने जा रहा है। सूत्रों की माने तो यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और दिल्ली डेयर डेविल्स ने मिलकर लिया है। इस फैसले करीब करीब शुक्रवार को सामने आ जाएगा कि इस तेज गेंदबाज का क्या होगा। वहीं मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी हसीन जहां के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। अब यह तो आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले हसीन जहां ने शमी के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस तेज गेंदबाज के खिलाफ अलग अलग धाराओं में कुल 7 आरोप लगाए। इसमें हत्या करने की कोशिश का गंभीर आरोप भी है। शायद यही कारण रहा कि BCCI ने उन्हें सालाना अनुबंध को दिया ही नहीं बल्कि COA ने पत्नी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच का भी आदेश दे दिया। यह भी पढ़े, मोहम्मद शमी को माफ करने को राजी हैं हसीन जहां बशर्ते। बहरहाल शमी ने वीरवार को पत्नी हसीन जहां पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मुझसे पिछली शादी और 2 बेटियों की बात छिपाई। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि कई साल तक हसीन ने अपने पहले पति से बेटियों को अपनी बहन की बेटियां बताया, लेकिन बाद में इस बारे में पता चलने पर भी मैं उन्हें प्यार करता रहा और उनका ध्यान रखने के साथ खर्चा उठाता रहा। हसीन जहां की शादी साल 2002 में सैफुद्दीन के साथ हुई थी। बहरहाल शमी के लिए शुक्रवार का दिन बड़ा होने जा रहा है। इस फैसले पर उनके चाहने वालों की नजरें लगी हैं। वजह यह है कि यह फैसला ही उनके आगे टीम इंडिया के साथ करार का आधार भी बन सकता है। शुक्रवार को यह साफ हो जाएगा कि मोहम्मद शमी IPL 2018 में खेलेंगे या नहीं। BCCI और उनकी फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली डेयर डेविल्स मिलकर इस बात फैसला ले चुके हैं और इसका ऐलान शुक्रवार को हो जाएगा। इस महीने के आखिर में दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का तैयारी शिविर शुरू होना है।